अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद इस बेल को भी प्रेस करिए अपनी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये है एंड्रॉयड पी टाइप का वॉल्यूम स्लाइडर, आप अपने किसी भी फ़ोन में इसे यूज कर सकते हो। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे म्यूट मोड करता हूँ, रिंगर मोड करता हूँ, तो यहाँ पे ये सारे चीज़ें अपने स्टेटस बार में दिखा देता है। काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है और बहुत ही स्टेबल एप्लीकेशन है, और दोस्तों ये आपको एंड्रॉयड पी जैसा एक फीलिंग दे देता है। तो यहाँ पे अलार्म मोड, रिंगर मोड और साउंड मोड, ये तीनों भी मोड इसमें बहुत अच्छे से काम करते हैं। और दोस्तों ये डार्क मोड में भी आता है और काफ़ी कमाल का लगता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है और इसे कैसे यूज करना है। हे दोस्तों, मेरा नाम है मदन और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मदन गायकवाड़। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों ये ऐप ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, और दोस्तों ये ऐप आपको प्ले स्टोर में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है ये तो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे आप डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल करते हो तो जो भी एक्सेसिबिलिटी के परमिशंस होते हैं, जो भी ओवर डिस्प्लेस की परमिशन होते हैं, उसको आपको अलाउ करना है। तो देखते हैं इस ऐप में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। जैसे आप ऐप में इंटर होगे तो स्टार्ट फ्लोटिंग सर्विसेज को आपको एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे आपको ऐप का आइकॉन मिल जाएगा जिसमें आप अपने वॉल्यूम के जो भी कंट्रोल्स है यहाँ से कर सकते हो, और हमें एंड्रॉयड पी जैसा लुक यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे सेव्ड लास्ट पोजीशन, डिसेबल फिक्सेस इंटरफेस, इसको भी इनेबल करना है। इनेबल विंडोज बाउंस इफेक्ट, इसको भी इनेबल करना है। मेन सेटिंग है दोस्तों डायलॉग स्टाइल सेटिंग्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफॉल्ट स्टाइल करने पे ये हॉरिजेंटल में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे स्लिम स्टाइल करने पे ये हॉरिजेंटल बट छोटा में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वर्टिकल बार स्टाइल करने पर ये टोटल एंड्रॉयड पी जैसा ही लगता है। उसके बाद यहाँ पे और एक सेटिंग है आइटम टू शो इन फ्लोटिंग डायलॉग। तो यहाँ पे आप चारों भी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जितने भी वॉल्यूम के कंट्रोल्स है वो चारों के चारों यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है दोस्तों, इसलिए अभी तक ये प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, पर दोस्तों इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं गिटहब से। तो ये एक्सडिया का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आपको नीचे आना है और यहाँ पे डाउनलोड पे गिटहब पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये गिटहब का लिंक ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1.0.8 बीटा ये एप्लीकेशन आपको नीचे मिलेगा। फ्लोटिंग वॉल्यूम 1.0.8 बीटा को आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद डायरेक्ट आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। जब दोस्तों फ्लोटिंग मेनू एक्टिवेट हो जाता है तो इसे हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, और जैसे आपको चाहिए वैसे हम वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। तो है काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन, आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा नीचे जरूर कमेंट करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।